तो नॉर्मल स्क्विड गेम्स तो सबने देखा ही होगा। क्या मतलब तुम मेरे जैसे हो? मैंने स्क्विड गेम्स बस दूसरे एपिसोड तक देखा है, फिर तो उसके आगे देखा ही नहीं। तो आज हम देखने वाले देसी स्क्विड गेम, इंडियन वर्जन कैसा होगा। लेट्स बिगिन। हेलो, मैं हूं एक स्क्विड गेम एम्प्लॉय। अरे भाई भाई, अरे भाई, पिचकारियों से लोगों को मारा जा रहा है। भाई उसे मत मारना। क्यों? क्योंकि उसे मैं मारूंगा। रिश्तेदार है मेरा, ये मेरे घर पे आके रिश्तेदारों को तो पहले मारो। तो अमेरिका जा रहा है, तुम्हारा क्या कर रहा है? झूठे, अमेरिका जा रहा है, रुक। हरीश बेटा, तुम हरीश बेटा हो ना? अरे नहीं। अच्छा, नहीं हूँ मैं। तुम्हारी मम्मी से बोलते हैं अभी? अरे नहीं, उसको कोई पकड़ो। सारे लोग उसको मारो। साला मम्मी को फोन कर रहा है यार वो। अरे भाई क्या, भाई क्या डॉज कर रहा है वो। रिश्तेदार ऐसे ही होते, खुद के बच्चों की तारीफ करते हैं और सामने वाले बच्चे की बुराई करते, उसे टोंट मारते रहते हैं। सबके ऐसे ही होते हैं। मम्मी की धमकी दे रहा है। पिजी का नंबर। क्या चीज है तू? अभी तुम हमको जानते ही का हो? हमें इंडियन रिलेटिव। स्मिता भाभी जी, आपका बच्चा स्क्विड गेम में है। स्क्विड गेम में है। स्क्विड गेम में है। ये तो हमारे सुनाई भी दे गया हमारी। अरे भाई साहब, वही जिनका बच्चा अमेरिका में पढ़ता है, हमारा बच्चा पता नहीं कब जाएगा। खैर जब जाएगा तब जाएगा, जाने वाले का कोई समय थोड़ा ना होता है। जिसको जाना है वो तो चले ही जाएगा, जाने वाले को कौन ही रोक सकता है। आवेंगी, बड़ी सही बात है। रात में सोए और सुबह चले गए। ओ तेरी, अमेरिका बिना वीजा के कैसे कर रहा भाई? बिना वीजा ऐसे लोगों को लेके आते हैं जिनके जीने के वजूद ने भी वजूद छोड़ दिया। बाय। कॉस्ट्यूम नहीं आ रहा, जरा मेरा कॉस्ट्यूम देखो और बाकी सबका देखो। एंडी तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि तुम ऐसे बात कर रहे थे। एंडी मेरा इंटरव्यू चल रहा है। हां पता है यार, ठीक है। इंटरव्यू होने के बाद तो लोगों के भाव ही बढ़ जाते हैं। एंडी बस तेरा कॉस्ट्यूम टाइट है, इतना एटीट्यूड मत दिखा। बड़े साहब ने स्क्विड गेम इसलिए चालू किया था क्योंकि बुढ़ाओं को बुढ़ापे में भी शांति नहीं मिल रही थी। बीवी भाग गई थी तो अब ये स्क्विड गेम में एक सीक्रेट प्लेयर बन के खेलते हैं। फर्स्ट एपिसोड में ही था ऐसे। मतलब एक पेपर रहता है कि पेपर के साइड पे बैट लगाते कि पेपर अगर ऐसे गिरेगा तो जी जीतेगा, अगर ऐसे गिरेगा तो जी जीतेगा। तो उसमें हमेशा ये स्क्विड गेम्स वाले जीत, मतलब शुरू में जीते थे जी नॉर्मल आदमी, फिर बाद में यही जीता स्क्विड गेम वाला। और उसे इतने चाटे मार रहा था ना, क्या बताओ। अगर नहीं देखा तो जाके देख लो। अगर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो पायरेट कर लो, इजी। फिर तो पैसा, क्या सिखा रहा हूँ तो चाट। देखो देखो। अरे भाई गिरा भी नहीं तो भी। गिरने से पहले ही मारा मुझे। ना मुन्ना ना, पैसा चाहिए है ना? पैसा। ये कॉर्पोरेट वाले बिना, अरे चप्पल भी नीचे गिर गई। मुझे मारा। पैसा मुन्ना, पैसा। ये दुनिया पूरा पैसे के पीछे भागती है। स्क्विड गेम आ जाना। जब से पूरी दुनिया ने नेटफ्लिक्स पे स्क्विड गेम देखा है, काफी सारे कॉपीकैट, रिपऑफ्स और स्कैमर आ गए हैं। नमस्कार, मैं राहुल भाटसम हेडक्वार्टर से बात कर रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि आपकी स्क्विड गेम में लॉटरी खुली है, 25,000 की लॉटरी खुली है। जी हाँ, हम आपको फिर से बता दें, 25,000 की लॉटरी खुली है। हम आपको बधाई पेश करते हैं। जी हाँ, बधाई पेश करते हैं। अगर आपको इसके संपर्क में और जानकारी बोलते हैं जो स्कैमर्स रहते हैं करे जी, धन्यवाद। अब मैं काम करता हूँ। क्या एडिटिंग करते हैं भाई ये लोग? आजकल इन स्कैमरों के आने की वजह से हम लोग पे कोई यकीन ही नहीं करता है। हेलो नरेश जी बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहे हैं। ये हम स्क्विड गेम से बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, मेरा सिलेक्शन हो गया? ओ नहीं नहीं, आपका नहीं हुआ। आपके घर के बाहर वो जो बैठता है ना, उसका हुआ है। अबे यार, ओए मोनू ये ले। हेलो, देखो यार, मारो उसको। जो भी हो जल्दी बोलो, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। देखो हम स्क्विड गेम से बात कर रहे हैं। मुझे पता है भाई तुम लोग स्कैमर हो, और वैसे भी मुझे अब तुम लोगों की जरूरत नहीं है क्योंकि असली स्क्विड गेम वालों ने मुझे मैसेज करके बता दिया है कि मेरी 25,000 की लॉटरी खुली है। और ये मैसेज मुझे 20 बार आया है। तो अगर तुम 25,000 को 20 से गुना करोगे तो मुझे तो नहीं पता कितना होता है, लेकिन लगता है काफी होता है। तो मैं जा रहा हूँ आराम करने। बाय येलो मोनू भैया। भाई को मैथ्स नहीं आती, लेकिन इतना पैसा होने के बाद फिर अकाउंटेंट रख लेगा, सीए रख लेगा। 25,000 की लॉटरी लगी है मेरी, वो भी 20 बार।
पूरा चेंज हो गया सीन। हम ऐसे बेवकूफ लोगों को लेके आते हैं, जो गेम में हार जाते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं और जो जीत जाते हैं वो आगे जाके एलिमिनेट हो जाते हैं। स्वागत है आप सबका हमारे सबसे मुश्किल। वैसे भी मरना है, वैसे भी मरना है। क्या क्या गेम हो सकता है वो? मुझे मुझे तो डर लग रहा है। और वो गेम है चिड़िया उड़ तोता उड़। रूल बड़े सिंपल है, जो चीज उड़ती है इंडियन स्क्रीट गेम में ना यही होगा, जो चीज नहीं उड़ती है उंगली को वही रख। चलो मैं भी खेलता हूँ। इस गेम में तो मैं बचपन से चैंपियन हूँ, ये रखा है मैंने फिर। अच्छा देखते हैं, चिड़िया उड़ तोता उड़ मैना उड़ बदक उड़ गाय बकरी नहीं शेर नहीं नक्को शेर नहीं उड़ता शेर ब्रो शेर शेर नहीं उड़ता ना नहीं उड़ता ब्रो शेर। चलो उड़ा देता हूँ मैं। हमारे आगे हाइब्रिड शेर उड़ते हैं। क्या क्या क्या, क्या? अगला बच चलो मैं बच गया। नहीं मुझे मुझे आराम से खेलना है, टेंशन नहीं टेंशन नहीं। कौवा उड़। हमारे यहाँ के कौवे नहीं उड़ते अब जी बोलेगा। तो दोस्तों ऐसे ही हम पूरा स्क्विड गेम चलाते हैं। खैर हमें यहाँ ज्यादा सैलरी नहीं मिलती है इसलिए हम नुक्कड़ नाटक में भी काम कर लेते हैं। मैं हूँ पावर रेंजर्स एसटीडी। अरे भाई साहब पावर रेंजर्स तुम में से किस किस ने देखा? सच सच बताना। बचपन में मैंने इतना देखा है ना क्या बताओ। मेरा फेवरेट था 2400 घंटे पावर रेंजर्स, निक चैनल पे आता था शायद। हाँ इतना देखा है ना ये क्या बताओ। सबसे ज्यादा फेवरेट मेरा कौन सा, ब्लू वाला। यस ब्लू वाला था। यस मैंने सब देखे उसके। उसमें एक डायनासोर्स वाला था, उसमें एक एसटीडी था और एसटीडी सेट मैंने क्या बोला जो भी एसपीडी एसपीडी सॉरी हाँ और कौन सा था निंजा और भी बहुत सारे थे लेकिन बहुत मस्त है एसपीडी। तो गाइस अरे इस समय कौन कॉल कर रहा है? क्या रिंगटोन है? अच्छा मेरी सिलेक्शन हो गई है गाइस। स्क्विड गेम का एक नया गेम शो आया है स्क्विड गेम द चैलेंज, जिसमें मेरी सिलेक्शन हो गई है। आप देखना मत भूलना, इट इज नाउ स्ट्रीमिंग। क्या मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए? सो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना शेयर करना, क्योंकि अभी मैं एक ग्रोइंग यूट्यूबर हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं यही कॉन्टेंट मैं गेम्स के बना सकता हूँ और एक ये बना सकता हूँ। सो अभी के लिए यही है, थोड़ा सा इनकम आन दो, बहुत सारे आइडियाज हैं। चलो बाय।